आज आपको लेकर आ गए हूँ राजकोट की एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट द ग्रैंड ठक्कर रेस्टोरेंट। तो इनकी जो गुजराती थाली है पूरे राजकोट में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो चलिए चलते हैं इनके ओनर से बात करते हैं और अपने लिए इनकी फेमस गुजराती थाली लगा। तो सर अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम गुशंग ठाकर है सर। ठीक है, तो सर कितना टाइम हो गया इस होटल? बेसिकली इस होटल को सर अभी 11 साल हुआ है, बट बिफोर हमारा पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसको राजकोट में हमको 21 साल हो गए। आई एम इन थर्ड जनरेशन हूँ मैं यहाँ पे, मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, वहाँ से हम यहाँ पहुँचे। अराउंड 65 ईयर्स हो गए सर। 65 ईयर्स हो गए जी सर। ऐसी क्या खास बात है कि लोग यहाँ की थाली बहुत पसंद करते हैं? बस वो आज तक हमको भी नहीं मालूम, लोगों का प्यार है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। टेस्ट और क्वालिटी एकदम बढ़िया। जी सर जी, 110% सर। हमारा जो पूरनपुरी है, दाल है, वो आज तक जो हमारे जैसे हमारे दादाजी गए वही सिस्टम से हम बनाते रहते हैं, उसमें हमने आज तक कोई चेंजेस किया ही नहीं है। जो टेस्ट पहले मिलता था वो अभी मिलता है जी सर। आज से आप 20 साल बाद खाना होगे तो भी ठाकर में आपको यही टेस्ट मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा सर। ये रायता। रायता है। ये मीठा चटनी, इमली का मीठा चटनी। ये गोल्डन चटनी, कोकोनट चटनी। ये काकड़ी का मटर। जी सर, यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज मिलती है थाली में? दोपहर में थाली होता है, शाम को हमारा आलाकाट पंजाबी चाइनीज मैक्सिकन कॉन्टिनेंटल वो शाम को रहता है। थाली में हमारे चार तरह के सब्जी रहती है, कुंदिया सब्जी रहता है, एक आलू का सब्जी रहता है, कोई भी कठोर का सब्जी रहता है, दाल कढ़ी रहता है, दो तरह की स्वीट रहती है, इसमें से एक कोई भी ठंडी रहेगी, एक लाइव मतलब हलवा है, पूरनपुरी है, घेवर रबड़ी है, ऐसा चेंजेस रहता होगा। रोटी पूरी आपको मिलेगा, छाछ पापड़ सलाद चटनी रहता, हर तरह का सर। अराउंड 21 to 25 डिश रहता है सर एक थाली में, और हमारा थाली का रेट भी 250 रुपीज़ ऑलमोस्ट है। जी सर, अनलिमिटेड रहता है आपने, और 250 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स सर। बहुत सारी जगह खा चुका हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो ए फूडी। जो पब्लिक हमारी राजकोट मोरबी एंड अहमदाबाद तीन जगह पे ब्रांचेस है, यहाँ जैसा पब्लिक राजकोट का जैसे मैंने पूरी इंडिया में तो देखा हुआ नहीं। तो मेरी गुजराती थाली यहाँ पे लगने जा रही है। पंजाबी साग सही बेस माखन वाला वाल से काठियावाड़ी गुआर मुठिया बटेटा। तो यहाँ पे मेरी चार आइटम्स लग चुकी है। ये सर रसमंजूरी बोलते हैं, रसमलाई। हाँ रसमलाई। तो ये देखिए, तो रोटी का साइज तो कितना छोटा है और इन्होंने इसमें घी लगाया हुआ है। चिल्ला। कौन सी दाल रहती है? गुजराती जैन दाल। और ये देखिए छोटी सी पूरी आ गई यहाँ पे। ये देखिए ये आ गया पापड़, पूरनपुरी। पूरनपुरी ढोकला सर, बरसाना ढोकला। हाँ घुंगरा। तो ठक्कर की फेमस यहाँ पे गुजराती लग चुकी है। तो साथ में उन्होंने दिया यहाँ पे सैलेड, ये है रायता, ये है कड़ी, ये इनकी इमली की चटनी, तो ये है इनकी मीठी चटनी। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा घुघरा, एकदम स्पेशल गुजराती घुघरा, ये एकदम गर्मा गर्म। ये देखिए, तो इसके अंदर इन्होंने पोटैटो की फिलिंग की है और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें डाली, मसाले डाले हुए हैं। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो घुंघरा का टेस्ट एकदम समोसे जैसा है, जैसा कि समोसा रहता है उसके अंदर आलू की स्टफिंग रहती है, एकदम वैसे ही है, बट इसका साइज़ छोटा है और बाहर से इसकी लेयर क्रंची है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ कि पूरनपुरी आलू की टिक्की की तरह है, बट देखते हैं किसी से बनी है ये। तो जो इसकी बाहर की लेयर है ये गेहूँ की रहती है और अंदर इसकी स्वीट स्टफिंग रहती है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आपने गुरुद्वारे में प्रसाद खाया होगा वैसे ही इसके अंदर की जो स्टफिंग है मीठी है, तो इसको एकदम बढ़िया से देसी घी में बनाया गया है, तो मुझे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा रोटी, ये देखिए एकदम बढ़िया से घी लगाया हुआ इसमें, और इसको मैं ट्राई करूँगा इनकी पंजाबी सब्जी के साथ। तो एकदम सिंपल प्लेन रोटी थी जैसे कि घर पे बनती है देसी घी के साथ, और जो पंजाबी सब्जी है ये है मिक्स वेज। तो दाल को मैं ट्राई करूँगा चावल के साथ। तो ये है इनकी मीठी तुर्की दाल, आपने तुर्की दाल तो खाई होगी बट ये थोड़े स्वीट में है, तो गुजराती लोग थोड़ा स्वीट खाना पसंद करते हैं, तो इसको खाते हैं राइस के साथ। तो लास्ट में मैं ट्राई करूँगा इनकी रसमलाई। तो रसमलाई काफ़ी स्मूथ है और केसर का बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो सर टाइमिंग क्या रहती है? जैसे 11:30 to 3:30 गुजराती थाली रहेगा, बाद में 7 to 10 अभी तो 9 to 9:30 तक का ही टाइम है सर, पूरा टाइम रहता है, बाद में 11 बजे तक रहता है। सर हफ्ते में कितने दिन ओपन रहता है? 365 डेज ओपन सर, कोई छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी नहीं। एड्रेस बता दीजिए सर यहाँ। जी सर, हमारा एड्रेस है द ग्रैंड ठाकर राजकोट, हॉस्पिटल चौक, जुबेली गार्डन, राजकोट। तो अगर आप भी राजकोट रहते हो या विजिट कर रहे हो तो इनकी एक थाली जरूर टेस्ट कीजिए। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस 250 रुपीज़। तो अब मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।